वेलकम टू अन्वेशास कुकिंग चैनल। आज हम बनाने वाले हैं चिकन टिक्का मसाला, जिसकी शुरुआत करेंगे हम मैरिनेशन के साथ। इसके लिए हमने यहाँ पे कुछ चिकन पीसेस लिया है। उसमें हमने 1 टेबल स्पून सॉल्ट दिया, 1/2 टेबल स्पून टर्मरिक पाउडर, 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबल स्पून क्यूमिन पाउडर, 1 टेबल स्पून कोरिएंडर पाउडर, 1 टेबल स्पून कर्ड, 1 टेबल स्पून कस्तूरी मेथी, 1 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल, और इसे अच्छे से हमने मिक्स किया है। साथ ही हमने इसमें 1 बड़ा चम्मच जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड किया है और इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद हम इसे 1/2 घंटे के लिए रेस्ट पर छोड़ देंगे। एक कढ़ाई में तेल गरम करेंगे और अपने मैरिनेटेड पीसेस को अच्छे से फ्राई करेंगे। इसे हमें डीप फ्राई नहीं करना है, सैलो फ्राई करना है। सैलो फ्राई करने के बाद जब इसमें कलर आ जाएगा तो हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। देख सकते हैं कि हमारे चिकन पीसेस में अच्छा कलर आ गया। अब हम इसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। क्योंकि हम चिकन टिक्का बना रहे हैं तो इसलिए हम इसको एक बारबेक्यू स्टैंड लेंगे और उस पर एक एक करके अपने पीसेस को रख करके सेक लेंगे। इसे हम अच्छे से सेकते जाएंगे ताकि इसमें चिकन टिक्का का कलर आ जाए। तो अब हमारा चिकन टिक्का बन करके तैयार हो गया है और हम इसे एक एक करके प्लेट में रख लेंगे। देखिए है ना कितना प्यारा कलर हमारे चिकन टिक्के का। अब उसी बचे हुए तेल में हमने 1 बिग कार्डेमन, 3 क्लोव्स, 2 कार्डेमन ऐड किया है और उसके बाद 4 से 5 फाइनली चॉप्ड ओनियन ऐड किया है। इसे अच्छे से सॉर्ट कर लेंगे। सॉर्ट करने के बाद हम इसे कवर करके पकाएंगे। अब यहाँ पे हमारा प्याज थोड़ा थोड़ा पक चुका है, हल्का सा कलर इसमें आ चुका है। अब यहाँ पे हम इसमें 1 टेबल स्पून नमक ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करके पकाएंगे। अब यहाँ पे हमारा जिंजर गार्लिक पेस्ट पक चुका है। अब इसमें हम 1 टेबल स्पून क्यूमिन पाउडर डालेंगे, 1 टेबल स्पून टर्मरिक पाउडर, 1 टेबल स्पून कोरिएंडर पाउडर। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद ढक करके 5 मिनट के लिए इसे हम छोड़ देंगे। जब हमारे मसाले अच्छे से पक जाएंगे तो हम इसमें डालेंगे 30 ml कैसिव नट पेस्ट और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। हमारा यहाँ कैसिव नट पेस्ट पक चुका है। हमने अब यहाँ पे 2 बड़े टमाटर की प्यूरी बना करके इसमें ऐड कर दिया और इसे हमने अच्छे से मिक्स करने के बाद पकने के लिए छोड़ दिया है। अब देखिए यहाँ पे हमारा मसाला जो है वो पूरी तरह से पक चुका है, मसाले में अच्छा कलर आ गया है। अब यहाँ पर हम लोग अपना चिकन टिक्का पीसेस ऐड करेंगे, इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करके इसे हम लोग ढक करके अच्छे से पकने के लिए छोड़ देंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे चिकन टिक्का मसाला ने ऑयल यहाँ पे छोड़ दिया है, इसका मतलब है कि यहाँ हमारा मसाला पूरी तरह से पक चुका है। इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे क्रीम और इसको अच्छे से मिला लेंगे। मिलाने के बाद अब हम डालेंगे इसमें कस्तूरी मेथी, 1 बड़ा चम्मच गरम मसाला, 4 टीस्पून चीनी डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। ये चीनी जो है सो हमारे चिकन टिक्का मसाले को एक अलग ही स्वाद देगा और एक अलग ही फ्लेवर भी देगा। और अब हम इसे ढक के 5 मिनट के लिए पकाएंगे। ये बन के तैयार है हमारा चिकन टिक्का मसाला और अब हम इसे एक बाउल में सर्व करेंगे। देखिए है ना कितना प्यारा, कितना सुंदर, बिल्कुल अमेजिंग चिकन टिक्का मसाला हमारा। अब इसे बनाइए, खाइए और बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।